no. जहाँ तक लाइक मैंने गाना जब तक सीखा था, जब सीख रहा था तो काफी साल तक सीखा, तो उसमें है लाइक देर आर अ नंबर ऑफ घराना इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वोकल. एंड जब तक मेरी मुलाकात नहीं हुई लाइक विद पीपल लाइक यू और देर आर सम अदर फ्रेंड्स ऑफ आर हु डू प्ले तबला रेगुलरली, मुझे नहीं पता था कि तबले के भी घराने होते हैं. लेकिन आज तक मैं इतना अच्छे से फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कि एग्जैक्टली वो घराने है कौन से. एंड लाइक वो घराने में डिफरेंसिएशन क्या है, वो घराने क्यों आए एग्जिस्टेंस में इन द फर्स्ट प्लेस. तो वुड यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट एस्पेक्ट, लाइक तबला के घराने कहाँ से शुरू हुए एंड अभी कौन से घराने हैं, उनके कौन क्या बोलते हैं, खलीफा क्या है, एंड व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी खलीफा. तो थोड़ा सा उस टेक्निकल एंगल पे थोड़ा सा अगर आप वो करेंगे, लाइट थ्रो करेंगे तो मजा आ जाएगा. ओके, सो द पॉइंट इज दैट तबला एकदम से शुरू नहीं हुआ है, राइट. इफ वी गो बैक इन द पास्ट, व्हाट हैपेंड इज पहले पखावज था, राइट. तो पखावज के पहले क्या था, तो और कई वाद्य थे जो वाद्य वी कैन से ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, तो वो ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो जो थे तो वो क्या लोग करते थे, बहुत ही पुरानी परंपरा की बात कर रहा हूं मैं, तो वो एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते थे, राइट. जमीन जमीन में गड्ढा बनाकर उसके ऊपर चमड़ी एकदम ऐसे बहुत ऐसे टाइट करके वो कीलो से जमीन में चमड़ी को लगाते थे. okay. और वो जो हॉलो पार्ट जो रहता था, जो गड्ढे का जो हॉलो पार्ट था उसके ऊपर वो चमड़ी बिठाते थे, और उसके ऊपर पीट पीट के बजाते थे. ओके, या तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो अपना जो ड्रम होता है, अभी का ड्रम जो होता है वो इसका बना होता है, क्या मेटल्स का बना होता है, पहले वो जो था वो लकड़े का बनता था, राइट. लकड़े के वो जो बैरल शेप ऐसे ड्रम जो होता था, राइट. उसके ऊपर चमड़ा चढ़ाकर, चमड़ा ऐसे चढ़ाते थे, उसको टाइट खींचते थे, राइट. और फिर वो बजाते थे. ओके, तो वहां से आया ढोल. अच्छा, ओके, हाँ, ढोल. उसके बाद आया उसके साथ बजाने के लिए ताशा. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटिंग शुरू कर दिया कि ये बड़ा जब बैरल होता है तो एकदम बेस साउंड आता है इसकी तरह, तो जब छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे इसका ये छोटा हो गया तो ये आवाज अलग हो गई. तो उन्होंने बैरल के आकार को देखकर छोटा 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 कितना होता है और कितना हम फ्रीक्वेंसी ऊपर ले जा सकते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया. तो वो होने के बाद ताशा निकला, राइट. तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, राइट. ताशे का जो पूरा जो डायमीटर रहता है, वो डायमीटर होता है अराउंड 12 इंचेस. ओके, सो 12 इंचेस का ताशा होता है, और जो ढोल होता है उसका तकरीबन जो डायमीटर होता है वो 22 इंचेस का है. ओके, के बाद ढोल के बाद हुआ नगारा, राइट. तो वो नगारे का जो होता है वो ताशा और नगारा, नाल, ये सब एक ही फ्रीक्वेंसी में बजते हैं, राइट.
हाँ वो ऊंची फ्रीक्वेंसी होती है। राइट राइट राइट। उसके बाद तबला पखावज के बाद आता है, पहले right. आता है पखावज। okay. पखावज जो होता है वो एक बैरल शेप ड्रम होता है और उसके दोनों तरफ हाँ चमड़ाई लगाया जाता है और लकड़े का पूरा इंस्ट्रूमेंट है, बैरल शेप लकड़े का इंस्ट्रूमेंट है। ये जैसे लकड़ा है और ये जैसे मेटल है वैसा उसमें नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। राइट ठीक है। तो हुआ ये कि ऐसी एक कहानी सुनाई जाती है कि तबला कहाँ से आया, तो वो मैं आज तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। देख क्या बात, जरूर जरूर। एक पखावज प्लेयर थे, उनका नाम था बहुत बहुत बड़े, दोनों ही नाम बहुत ही बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े। उनका नाम था पंडित लाला भवानी दास पखावज। ओके। वो लाला भवानी दास जो थे वो और दूसरे और एक नाम था सिद्धार्थ खान साहब, सिद्धार्थ खान ढाड़ी, ढाड़ी। ये एक राजस्थानी कम्युनिटी होती है जो हर एक जगह में घूम घूम कर मवेशी पालने का काम करती है। ओके। तो वो थे। इन दोनों में एक दिन किसी राजा ने लड़ंत लगा दी कि कौन अच्छा पखावज प्लेयर है। अच्छा। तो हुआ ये कि ये लड़ंत वगैरह शुरू हो गई, ये सब हो गया। प्रॉब्लम ऐसे हुआ कि लाला भवानी दास वो जो प्रतियोगिता थी वो जीत गए और सिद्धार्थ खान साहब हार गए। सिद्धार्थ खान साहब ने उस डिसअपॉइंटमेंट में जो पखावज था वो एकदम से ऐसे जमीन पर ऐसे फेंक दिया कह सकते जोर से, तो उसकी वजह से उसमें दो दरारें पड़ गई और वो टूट गया। सिद्धार्थ खान साहब के एक शागिर्द थे, उन्होंने वो जो दो भाग थे पखावज के वो उठाकर फिर अपने गुरुजी के पास लेके गए। गुरुजी जब उन्होंने देखा कि उसने वो लाया हुआ है अपने सामने, तो उन्होंने देखा कि क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बजा कर देखा। तो बजाने के बाद आवाज तो आ रही थी, तो वहां से ऐसे कहा जाता है, ये दंत कथा जो कहते हैं, दंत कथा है उस प्रकार है। या तो टूटने के बाद भी बोला इसलिए तब भी बोला और उसका अपभ्रंश करते हुए तबला आया। वाओ, वंडरफुल। हाउ इट डेविएट्स फ्रॉम हियर एंड देयर दैट आई डोंट नो, बट दिस इज अ काइंड ऑफ स्टोरी व्हिच इज बीइंग टोल्ड बाय जनरेशंस एंड जनरेशंस। सो अच्छा, तो अभी दिस इज नॉट द एंड, दैट्स द स्टार्ट ऑफ तबला, दैट्स द स्टार्ट, राइट। हाँ, तो हुआ ये, वो तबला तब भी बोला ऐसे करते करते चल रहा था। तो सिद्धार्थ खान साहब ने क्या किया कि ये ऐसे होता है पखावज आड़ा बड़ा, तो वो ऐसे बजाते हैं। अब ऐसे बजाते समय दिखता क्या है बजाते समय कि ये हाथ ऐसे लग रहे हैं कि पंख हिला रहा है कोई। हाँ। तो पंख वाज, वाज माने बजाना, तो पखवाज हो गया। ओके। तो वो पखवाज हो गया, तो अभी वो टूट गया है, तो उन्होंने सीधे परपेंडिकुलर वो जमीन पर रख दी। हाँ। वो देखने के बाद उन्होंने आघात करना शुरू किया। हाँ। तो आघात करने के बाद आवाज तो आ रही थी राइट, पर फिर भी बज रहा था वो तो पखावज ही था। ओके। क्योंकि सिद्धार्थ खान साहब खुद पखावज ही थे, इसीलिए तो प्रतियोगिता में भाग लिया करेक्ट। ओके। तो वो हुआ, तो उन्होंने एक डिफरेंट
व्हाट वी कैन से डिफरेंट टेक्निक तबले में इजाद कर दी। ओके, तो वो टेक्निक क्या है कि तबला बजाना है पर वो पूरे आघात से, जैसे पखावज में बजता है वैसे नहीं बजाना, वो उंगलियों का उपयोग करके बजाना है ऐसे। अच्छा, सो अभी क्या है कि पखावज की एक टाइप की भाषा है, जैसे कुछ बोल बताकर मैं सुनाता हूँ। जरूर जरूर। क्रधे तागे न धागे तेरे के तकता तेरे के तगे न धेंद्रा धातु न कत तघेन तधा कत तघेन तधा कत तघेन तधा। तो ये पखावज की भाषा। वाह वाह। तो इसके जो बोल हैं, पखावज के बोल थोड़े से डिफरेंट होते हैं, पूरा डिफरेंट नहीं है। एज इट इज अ फादर इंस्ट्रूमेंट, पखावज इज अ फादर इंस्ट्रूमेंट, तबला हैज अडॉप्टेड ऑलमोस्ट 90% ऑफ पखावज बोल्स, वी कैन सी। ओके ओके। सिर्फ देयर इज काइंड ऑफ ट्वीकिंग, वी कैन कॉल इट एज ट्वीकिंग। Okay. तो पखावज में जो धा, दिन, ता, टेट, ना, कत ये जो बोल थे, इनमें से थोड़े थोड़े चेंज हो गए। ओके। तो तबले में जब आए तो वो जो धा था तो वो धा उंगली से निकलने लगा, पखावज का जो धा है वो पूरे हाथ से निकलता है ये, और तबले का होता है उंगली से निकलता है, ये उंगली right. स्ट्राइक करनी होती है ये right. हाँ, तो वो धा हो गया, दिन जो होता है वो धिन बन गया तबले में, तीता जो था वो तीता पूरे हाथ से निकलता था तबले पखावज में, पखावज वो तबले में दो उंगली से निकालने लगे right. ऐसे करते करते छोटे 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 चेंजेस सब जगह हुए तबले के लिए खास करके। okay. और बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत सब करने के बाद सिद्धार्थ खासा ढाड़ी ये हाँ. एक दिल्ली घराने के संस्थापक के नाम आगे प्रचलित हुआ कि दिल्ली घराना ये तबला है, ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है, इसका ये घराना दिल्ली घराना है, उसके संस्थापक है सिद्धार्थ खान धारी और उन्होंने प्रचलित किया तबले तबले। वाह वाह, वंडरफुल। सो इन दैट एरा देयर वर टू इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच वर व्हाट वी कैन से व्हिच वर बोथ कनेक्टेड विद द सेम लैंग्वेज, राइट। तो ये हुआ दिल्ली घराना। तो दिल्ली घराने के बाद बहुत सारे घराने हैं, जैसे गाने में ग्वालियर घराना है पहला माना जाता है, ग्वालियर घराना पहला घराना, तो उसी प्रकार तबले में दिल्ली घराना पहला घराना है, राइट। तो अभी दिल्ली का ऑफशूट है अजराड़ा घराना। ओके। ये सब जगह है नॉर्थ इंडिया में, ये सब जगह अभी भी कायम है। तो ये सब नाम वहां से आए, वहां वहां कैसे आए, तो जो भी बढ़िया से तबला वादक, बढ़िया से म्यूजिशियंस उस जगह में कायम जो हो गए, जो सेटल जो हो गए, तो वहां से वो नाम आने। करेक्ट। तो ये बात है। तो दिल्ली का ऑफशूट है अजराड़ा। ओके। अभी अजराड़ा, अजराड़ा और दिल्ली के जो उस्ताद थे वो घूमते 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 चले गए लखनऊ में। अच्छा। उस दौरान लखनऊ अलग था, उस okay. दौरान लखनऊ में चलता था डांस, कथक नृत्य बहुत चलता था। yes. तो कथक नृत्य के साथ वहां पखावज की साथ की जाती थी, कंपनी इंस्ट्रूमेंट पखावज रहता था और सारंगी रहती थी या दिलरुबा रहता था, किसराज जिसको कहते हैं, तो वो रहता था। तो अभी दिल्ली के दो बहुत
नामचीन तबला प्लेयर्स, एक थे मोदू खा साहब और एक थे बख्शू खा साहब, वो लखनऊ में चले गए। वो वहां उनके साथ तबला बजाने लगे। किनके साथ? पखावज प्लेयर्स के साथ और डांसर्स के साथ, राइट। हाँ, तो हुआ ये इन इस दौरान कि पखावज का साउंड ये बहुत ही पावरफुल और डिग्निफाइड साउंड रहता है, राइट। तो उसके सामने जब ऐसे धा बजाओगे तो तबले का धा सुनाई नहीं देगा या कम देगा, राइट, कम देगा। अगर एक बड़ा सा हॉल है जहां 100 लोग बैठ सकते हैं, वहां अगर विदाउट माइक्रोफोन तबला और पखावज दोनों बजाने लगे, और उस दौरान जब पीटर और ये जो भी दो उंगली का काम चलता था वैसे अगर चलने लगा पखावज के साथ, तो तबला इतना बड़ा आवाज नहीं सुनाई देगा। एब्सोल्युटली। तो हुआ ये कि बख्शू खा साहब और मोदू खा साहब ने अलग आइडिया ये की कि पखावज की जो भी स्टाइल है, माने ओपन हैंड से बजाना, ये सब चीजें तबले में लाई जाए तो हम डांस के साथ बजा सकें। राइट। तो ये होने के बाद अभी एक पॉइंट आता है, तो क्या पूरा पखावज ही तबले पर बजने लगा? नहीं, अच्छा ऐसे नहीं हुआ। तबले की कुछ खासियत जो कहते हैं वो तो थी, वो तो कायम रखी उन्होंने, हाँ। और ये एडिशन कर दी। वाह, वंडरफुल। सो लखनऊ का ही और एक ऑफशूट या और एक घराना कह सकते हैं, ऑफशूट नहीं कह सकते, घराना कह सकते हैं, फरुखाबाद घराना, तो वो है हाजी विलायत अली खान साहब ने, वो संस्थापक है हाजी विलायत अली खान साहब। तो उन्होंने बहुत काम किया फरुखाबाद में, एक अलग ही किस्म बना दी तबले की, राइट। तो इस दौरान और एक चीज हुई कि मोदू खां साहब के पास अपने बड़े राम साहेब जी जो है तबला, बड़े राम साहेब जी तो वो सीख रहे थे, अच्छा, वो बनारस आ गए, और वहां से बनारस के राम साहेब जी ने और एडिशन कर दी तबले में, तो वो बनारस घराने के संस्थापक हो गए, राइट। ये हो गए पांच घराने। हाँ, हाँ। अभी देयर इज अ सिक्स्थ मोर घराना, अच्छा, दैट सिक्स्थ घराना इज अ पंजाब घराना, राइट, पंजाब कसूर घराना, पंजाब कसूर। तो वो वाला पंजाब अलग है, या आज वाला पंजाब अलग है क्योंकि पार्टीशन नहीं हुआ तो वो वाला जो पंजाब है वहां तबला प्लेयर्स भी ज्यादा थे और पखावज प्लेयर्स भी बहुत थे। ओके। तो ऐसे दो तीन सेम प्रोविंस में, सेम प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस में दो तीन ऐसी बड़ी जगह थी, जैसे कसूर, उसके बाद ये जिसको ऐसे कह सकते हैं कि वो गढ़ थे म्यूजिक, हाँ, के लिए गढ़ होना, यस, दे वर लाइक फोर, कसूर, या सो कसूर करके एक जगह है, ओके, दैट वाज द गढ़ ऑफ पंजाब। वाओ, ओके। तो जाकिर जी और जाकिर जी के पिताश्री और उनके गुरुजी वो सब पंजाब घराने से ताल्लुक रखते हैं, राइट। मेरे right. गुरुजी ये फरुखाबाद और लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। कुमार जी जो है, कुमार बोस जी वो बनारस घराने से, ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली में उस्ताद अकरम खान साहब करके है, वो अजराड़ा दिल्ली का तबला बहुत बढ़िया काम। ओके। एंड आई थिंक तिरकवा का सब फरुखाबाद से थे, जहाँ तक फरुखाबाद।
फरुखाबाद थे. यस यस वंडरफुल हीज. सो थिरकवा खासत के बारे में एक बात मैं, इतना बड़ा टॉपिक है छोड़कर तो कंप्लीट हो ही नहीं 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 इसलिए उनका जिक्र करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. राइट राइट. तो उस्ताद अहमद जान थिरकवा ये जो नाम है ये बहुत माने बहुत ही आदरणीय है. कोई भी तबला वादक इनको छोड़कर तबला नहीं बजा सकता. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. क्यों अब पूछोगे कि क्यों? उन्होंने चारों जो घराने हैं दिल्ली फरुखाबाद सॉरी दिल्ली अजराड़ा लखनऊ फरुखाबाद चारों सीखे हुए थे और वो बनारस की भी चीजें बजाते थे. आप YouTube पर कभी सर्च करोगे तो आपको कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगे. उसमें छोटी छोटी चीजें बनारस की भी कभी कभी बजाई हुई है और बताकर बजाई हुई है कि ये कंठे महाराज ऐसे बजाते हैं. तो कंठे महाराज कहाँ के थे? बनारस के. बनारस के थे. बहुत ही बहुत बड़ी हस्ती है कंठे महाराज जी. घरानों के नाम शायद मैंने कभी सुने सुने से लग रहे थे पर इतना इंटरेस्टिंग जर्नी था ये एक्चुअली मुझे आज पता चल गया. इट्स वंडरफुल वंडरफुल. एंड तिरकवा खान साहब के बारे में मैंने एक चीज सुनी है पुल देशपांडे करके जो बहुत बड़े लिटरेचर फील्ड में जायंट है जो मैं हर एक पॉडकास्ट में ऑलमोस्ट उनका नाम लेता हूँ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में. आई ऑलवेज से दैट आई एम लाइक द एकलव्य इफ हिज द द्रोणाचार्य आई एम लाइक द एकलव्य बिकॉज द वे ही डैबल्ड इन डिफरेंट फील्ड नॉट जस्ट म्यूजिक लिटरेचर सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स पता नहीं और क्या. ही वॉज अ मॉन्स्ट्रसली जीनियस पर्सन नो डाउट अबाउट दैट. एंड ही वॉज मतलब उनके ताल्लुकात क्लासिकल के फील्ड के भी जो जायंट्स थे उस जमाने के उनसे भी थे ऑब्वियसली. एंड आई थिंक यू नो अ पर्सन इज ग्रेट इन दैट फील्ड जब बाकी के लोग उस फील्ड के जो ग्रेट्स है वो उनको अपने साथ बिठाते हैं एंड उनसे सलाह मशवरत लेते हैं खुद के फील्ड के बारे में दो वो पर्सन वो फील्ड का नहीं है. तो तिरकवा साहब के बारे में ऐसा बोला जाता है ये मैंने पुल देशपांडे के खुद के एक स्पीच था तब उन्होंने ये जिक्र किया था तिरकवा खान साहब का कि खान साहब की मतलब खान साहब क्यों अल्लाह के बराबर माने जाते थे. खान साहब उस टाइम 80 साल के थे एंड किसके साथ उन्होंने बजाया था मुझे याद नहीं. आई थिंक विलायत खान साहब के साथ उन्होंने बजाया था या किसी और के साथ बजाया था. प्रोग्राम खत्म हो गया एंड वाह वाह बहुत खूब सब 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 हो गया एंड देन एवरीबॉडी डिस्पर्स्ड ऑफ एंड तिरकवा खान साहब पुल देशपांडे को बोले कि मियां चलो जरा टहलते टहलते थोड़ी गपशप हो जाए. तो पुल देशपांडे वाज लाइक ओके ग्रेट ये मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है. तो गए वो गपशप मारे यहाँ वहाँ की एकदम नॉर्मल बातें आम जिंदगी की बातें चल रही है एंड पुल देशपांडे एकदम पता नहीं उनको क्या हो गया वो रुका दिया उन्होंने तिरकवा खान साहब को. उनका हाथ हाथ में लिया और बोला कि खान साहब आपने आज क्या बजाया है. तो खान साहब उस टाइम 80 साल के थे और पुलिस बोलते हैं कि कोट अनकोट खान साहब के हाथ में मानो जैसे बिजली आ गई थी ऐसा बजा के गए थे उस दिन. ऐसा वो स्पीच में खान साहब के उस मेमोरी के बारे में पुलिस ने बोला एंड वापस पुलिस वो मेमोरी में जाके बोले कि इस पे खान साहब बोले कि बेटे अभी अभी ऐसा लग रहा है कि शायद त्रिताली का अंदाजा अभी आने लगा है. क्या बात है. सो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ दैट पर्सन. आफ्टर डूइंग ए जायंट वर्क फॉर अराउंड 60 इयर्स ही इज सेइंग दैट नाउ आई एम अ स्टेप अहेड to know the thing better than last day. And for viewers who are not aware, so as Vikrant rightly pointed out, us taal ka naam trital hai aur 16 matra hoti hai and it's like a very it's I better not use the word basic but it is the most popular of the taal
बिकॉज इट हैज उसका वजन 8x8 4x4 आप कैसे भी कर सकते हो, बेसिकली वो 16 में जाता ही है इवेंचुअली. तो इट्स द मोस्ट पॉपुलर ताल. इफ एवर यू वॉन्ट टू जस्ट ट्राई टू गूगल त्रिताल, आई एम श्योर आपने सुना होगा, आपको रिकलेक्ट किया होगा. बट इट इज ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलर विद तबला प्लेयर्स बिकॉज उसमें जो तबले में जो तीन प्रकार होते हैं, विलंबित, मध्यलय एंड द्रुत, उसमें बजाने के लिए कॉन्टेंट का ब्यूटी एंड कॉन्टेंट का क्रिप्टिक नेचर दोनों सबसे ज्यादा त्रिताल में वेरिएशन लोग बजाते हैं. इसकी तरफ कभी ध्यान दिया गया है? मैंने तो, मेरा तो उतना नॉलेज है नहीं. यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दैट. डू यू एवर ऑब्जर्व दैट योर हार्ट बीट इज गोइंग 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे गई है कभी? नहीं. वाह, इट इज ऑलवेज गोइंग 1 2 1 2 1 2. तो ध्यान में, जहन में ये बात पहले आती है कि 1 2 1 2 में पहले काम करना है. इवन इफ यू सी मैथमेटिक्स, फर्स्ट यू गेट 0, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, and 2 + 1 you can get anything. Right. Are you getting correct, it? Correct. बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सही बात. That is the logic behind it. Oh, right. Interesting. And 72 जो heartbeats होते हैं अपने, 8 9s of 72, so वो 8x8 का connection उस मैथमेटिक्स का एंगल वो भी रहेगा, वो भी रहेगा. राइट राइट इंटरेस्टिंग. वो भी रहेगा. आई हैवंट थॉट ऑफ दैट पर्सपेक्टिव, बट आई हैव थॉट ऑफ दिस पर्सपेक्टिव. नहीं नहीं, दिस इज अ वंडरफुल पर्सपेक्टिव. दिस इज, मतलब ये आपसे जानने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली ये कितनी बेसिक चीज है, पर हम ध्यान नहीं देते उसकी तरफ. अनफॉर्चुनेटली. वंडरफुल. तो पूला, मतलब वो जो किस्सा था पूला देशपांडे जी का, वो कंक्लूड करने का मैं यही बोलूंगा कि 80 साल की उम्र में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तबला प्लेयर, इवन व्हेन ही वाज अलाइव ही वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर, और वो बोल रहे हैं कि अभी त्रिताले का अंदाजा आने लगा है. दैट गिव्स अस द रिसीट कि ये लोगों की सोच कहाँ तक गई थी. एंड दूसरा किस्सा मैं उनके बारे में मैंने सुना है, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ. आई थिंक विक्रांत को अगर पता होगा तो वो बताएंगे. हिज लास्ट कॉन्सर्ट व्हेन ही प्लेड, ही वाज आई थिंक 92 or 94, एंड ही पास्ड अवे व्हेन ही वाज 96. एंड जस्ट गो पासिंग से एक या दो साल पहले तक उन्होंने बजाया था. और ऐसा कहा जाता है कि वो जो कॉन्सर्ट थी वो भी बहुत मेस्मराइजिंग करके गए थे. नयन घोष जी, पंडित नयन घोष. तो उनके पिताजी जो थे पंडित निखिल घोष, उन्होंने वो कॉन्सर्ट कुछ अरेंज किया था मुंबई में. और उस कॉन्सर्ट के लिए थेपा हसन ने बजाया था और उनके पास उसका रिकॉर्डिंग भी है. वाओ. या सो हिज लास्ट कॉन्सर्ट वाज रिकॉर्डेड, डेफिनेटली ही हैज दैट रिकॉर्डिंग. क्या बोल सकते हैं हम, बस इन चीजों का जिक्र करके खुद को भाग्यशाली मान सकते हैं कि ऐसी चीजें पता है और उस वो चीजें जहन में है, एंड वी हैव द नॉलेज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स. इसमें ही हम लाइक मेरे जैसा इंसान तो इसी चीज में खुश रहेगा. एक और बात मैं शेयर करूं. यस प्लीज प्लीज प्लीज. डू यू एवर नो दैट everyone knows Thirpa Khasab ne 96-98 saal tak bajaya tha sab ki. Yes, yes. Do you know a name, Ustad Jahangir Khasab? I think I have heard of that name, but mujhe context nahi pata hai. Yeah, so Jahangir Khasab played tabla for 110 years at the age of 110. And I guess he passed away at around 115 years, when he was 115 years. Yeah, that's the fact. The older generations were doing the music at a very great level at the age,
of 100 and 105 and 110. Yeah, they were great. I honestly, I don't even know how to process this information. Yeah, that is the fact. और ये जो जहांगीर खान साहब है वो भी लखनऊ को लखनऊ के साथ ताल्लुक रखते हैं। अच्छा अच्छा, इंटरेस्टिंग। ये जो जहांगीर खान साहब की जो मैं बात कह रहा हूँ वो जो है वो खिरकवा खान साहब के जो गुरुजी थे उस्ताद मुनीर खान साहब, मुनीर खान साहब बहुत ही मुनीर खान साहब, मुनीर खान साहब जो थे उनके कंटेम्पररी कहा जाता है जहांगीर। ओके ओके ओके। इनका कुछ रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा मेरे को? इम्पॉसिबल आई फील। वो बस जो म्यूजिकोलॉजिस्ट है आई थिंक उनके पास रहेगा, लेकिन नहीं पर क्या है कि म्यूजिकोलॉजिस्ट के पास रिकॉर्डिंग रहेगा या नहीं ये नहीं बता सकते, क्योंकि उस दौरान की टेक्नोलॉजी का हमें कोई अंदाजा ट्रैक नहीं मिलता। Right. That is also an important factor. What? हाँ एक भाग हो सकता है। हाँ अपुरूवा। हाँ। तो ना एक मैं यहाँ से तरफ तरफ खड़ा हुआ था। हाँ। Please, please. इरशाद, इरशाद, बजाइए। नहीं, वो नहीं करो। अपना